सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ईशान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप यू आर लोडिंग वेल। सो गाइस, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी के जो IEEE आयुष काउंसिल 23 है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ गाइस, हमारे पास जो है अपडेट्स आने लग गए हैं IEEE काउंसिलिंग के रिगार्डिंग। बात करेंगे इन सभी अपडेट्स के बारे में और साथ ही बात करेंगे इस वीडियो में एक्सपेक्टेड डेट क्या है। सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इस बार काउंसिलिंग कब स्टार्ट होगी। अब तो MCC का भी शेड्यूल आ चुका है, ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है MCC की। तो अब IEEE काउंसलिंग का शेड्यूल कब तक आएगा, कब से स्टार्ट हो जाएगी, है ना, इस पर भी अपन बात करेंगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल। मुझे मालूम है आप जो भी देख रहे हैं इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो किस चीज़ का वेट करो, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्योंकि काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो वहां से लेकर के टिल लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, है ना, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देता आ रहूंगा IEEE का भी, साथ ही स्टेट कोटा के भी अपडेट्स देता आ रहा हूँ। आप इसलिए वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, साथ ही आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे स्टेट के वो मैं सारे अपडेट आपको देता आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पिछले 4-5 साल से आप सभी की यूट्यूब के माध्यम से हेल्प कर रहा हूँ, तो आप ऑथेंटिक चैनल मान सकते हैं आप जिसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम है बिंग डॉक्टर ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ लेते हैं वीडियो की तरफ, क्या है अपडेट जान लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस, आप जब विजिट करेंगे IEEE की ऑफिशियल वेबसाइट, देखो IEEE काउंसलिंग कई सारे स्टूडेंट जानते नहीं है कि किस लिए होती है। तो IEEE होती है आयुष कोर्सेज के लिए, आयुष कोर्सेज जैसे कि BMS, BHMS, BUMS, BSMS, है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये अपडेट है। जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है उसको IEEE कराता है, तो IEEE काउंसलिंग कहलाती है। तो इसकी जो वेबसाइट है, जब आप विजिट करेंगे IEEE.gov.in, है ना, उसकी वेबसाइट को पूरा ही नए अवतार में, नए लुक में अपडेट कर दिया है, ठीक है। IEEE ने, आप देख सकते हैं, बिल्कुल नए लुक में आ गई है। पिछली बार जो साइट थी उससे एकदम चेंज करके नए अवतार में इसको, वेबसाइट को लिया है। और ये कंप्लीट 23 काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट हो चुकी है वेबसाइट, आप देख सकते हैं। एड काउंसलिंग फॉर सेशन 23 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, और जितना भी है 23 के रिगार्डिंग आपको चेंजेस मिल गए होंगे। अभी जो दो अपडेट मैं दूंगा गाइस, जो दो इंपॉर्टेंट नोटिस इस बार IEEE ने जारी किए अपनी वेबसाइट पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप साइट को खोलेंगे तो आपको सबसे पहला जो नोटिस मिलेगा इस बार काउंसलिंग का, 23 काउंसलिंग का, वो है PWD कैंडिडेट्स के लिए। जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने नीट 23 एग्जामिनेशन में PWD कैंडिडेट से अपियर हुए थे, PWD कैटेगरी से अपियर हुए थे एग्जाम में, उन सभी के लिए नोटिस निकाला है IEEE ने कि अगर आप काउंसलिंग में भी PWD का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं, तो आपको अपना एक ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना है, ठीक है। ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको ले लेना है। कहाँ से मिलेगा सर ये, तो ये आपको बता दूँ, ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो गाइज, ये अपने नोडल सेंटर से आप ले सकते हैं, जितने भी सेंटर से जहाँ पर ये आपको बनवा लेना है। आपको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, वहाँ पर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर ये आपको एग्जामिनेशन का जो ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पर नोडल सेंटर दे रखे हैं, यहाँ पर जाकर अपना ऑनलाइन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि तो इसके बिना आपको काउंसलिंग में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, PWD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपको अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट के साथ में ले जाना भी होगा। नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट जो नोटिस जारी किया IEEE ने वो है कल का, ठीक है। ये कल आपके पास नोटिस आया, आप देख सकते हैं, डेट 18 जुलाई है। अब यहाँ पर जो नोटिस है गाइज वो किसके रिगार्डिंग है, तो जो भी स्टूडेंट आप में से ITR जामनगर, जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ITR जामनगर गुजरात से, अगर आप आयुर्वेदा फार्मेसी वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके कोर्स के एडमिशन अभी चल रहे हैं, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वेबसाइट का लिंक दे रखा है, इसको विजिट करेंगे आपको नोटिस मिल जाएगा, साथ ही वहाँ पर इन्फॉर्मेशन भी दी गई होगी, और वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस था उन स्टूडेंट्स के लिए। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं गाइज कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको जरूरी है कि काउंसलिंग के बारे में जानकारी जरूरी है ना, उसके लिए हमने पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है आप सभी के लिए। संपूर्ण जानकारी आयुष काउंसलिंग रिगार्डिंग मैंने दे दी है, ऑल इंडिया की भी दे दी है, स्टेट कोटा भी दे दी है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो को जरूर से देखिएगा टिल एंड तक, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा पूरी काउंसलिंग के प्रोसेस में, है ना। तो आप कंफ्यूज रहते हैं, छोटे छोटे डाउट आते हैं, तो वो आपके उस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेंगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है हमेशा के लिए, आप वहां से पूछ सकते हैं। तो उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो गाइज आपका जो काउंसलिंग है गाइज जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जैसा कि आपने देख ही लिया है, नोटिस आने लग गए आपके, है ना, और साथ ही वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो काउंसलिंग जो है गाइज अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस, यानी जुलाई के लास्ट
वीक में कभी भी आपका शेड्यूल आ सकता है, या फिर स्टार्टिंग ऑफ अगस्त अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका शेड्यूल कभी भी आ सकता है, क्योंकि एमसीसी की फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमेशा देखा गया है कि जब फर्स्ट राउंड हो जाता है एमसीसी का तो उसके बाद में आपका जो है शेड्यूल और काउंसलिंग स्टार्ट होती है EEEC की। तो आपके बच्चों जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप स्टे ट्यून रहिए, वेबसाइट को विजिट वेबसाइट के टच में रहिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट सिंगल अपडेट आपसे मिस ना हो, कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो, कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ना। तो वेट करते हैं, अगस्त स्टार्टिंग में आपका तक आपका कभी भी शेड्यूल आ सकता है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, फिलहाल गाइज वीडियो में इतना ही। अगर आप हाँ, आप सभी के एक और बता दूँ, हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका वीडियो बना दिया, BAMS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और इंडिया कोटा की गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए, उसकी वीडियो आ चुकी है, चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन चेक कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने कंप्लीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, कितने रैंक तक आपको एक गवर्नमेंट BAMS कॉलेज मिल सकता है, किस कैटेगरी में, वो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।